मॉर्निंग गाइस, मैं अभी हूँ नागोटना डिपो पे। नागोटना ये जो है पनवेल से अराउंड 75 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारा आज का प्लान है सरसगढ़ जाने का। सरसगढ़, जिसको हम पालिका किला भी बोलते हैं, तो ये फेमस है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाने का। लेकिन आज एसटी का जो है बंद है, मतलब एसटी नहीं चल रही है। तो जैसे तैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ से हमें आगे जाना है पाली तक। देखते हैं अभी ये एसटी कब निकलेगा, इसके ऊपर है क्योंकि बंद चल रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए पाली में। नाश्ता वाश्ता कर लिया है और हम टूवर्ड्स फोर्थ की तरफ जा रहे हैं। फाइनली गाइज, हम जो बेस है सरसगढ़ का, यहाँ तक पहुँच गए। पाली का जो बल्लालेश्वर टेम्पल है, मतलब पाली ये जो लोकेशन है महाराष्ट्र में फेमस है, क्योंकि अष्टविनायक जो है महाराष्ट्र के, उसमें का एक लोकेशन पाली है, जहाँ पे बल्लालेश्वर गणपति का टेम्पल है। उसके बाजू से हम चल के आए और हार्डली एक 5 मिनट में हमको बेस जो है लोकेशन है इस सरसगढ़ का, यहाँ पर हम पहुँच गए। पीछे इंफॉर्मेशन है और यहाँ से ही हमको पीछे चल के जाना है अभी फोर्ट पे। तो देखते कितना टाइम लगेगा हमको। मेरे साथ है अनिकेत, कज़िन है मेरा, आपने पहले भी वीडियो में देखा है, और उसके साथ उनके मित्र है आदित्य। तो चलो हम चलते हैं सरसगढ़। पीछे जो दिख रहा है पहाड़, तो यही सरसगढ़ है और यहाँ से बहुत सुंदर उसका फोर्टिफिकेशन दिख रहा है। तो हम अभी चलते हैं आगे, देखते कितना समय लगता है, देखते यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है। मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी ऊपर क्या है इसके बारे में। तो लेट्स सी, मैं भी देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। छोटा वाटर टैंक दिखाई दिया है, तो इस वाटर टैंक का सिचुएशन अभी कुछ खास नहीं है, पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। तो जैसे जैसे आगे हम जाएंगे, वैसे वैसे जो कुछ भी दिखेगा हम आपको मैं दिखाते रहूँगा। मैं इस ट्रैक के बारे में बात करूँ तो ये जो ट्रैक है ये मीडियम लेवल का है। आप बोल सकते हो कि अगर आप ट्रैकर हो तो ये इसका जो इंटेंसिटी आप मीडियम लेवल पर ले सकते हो। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टनल दिखता है। एक्चुअली ये टनल नहीं है, आगे जाके एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे रहने का इंतज़ाम होता था वोट समय। यहाँ पे आगे जाने के बाद हमको यहाँ पे स्टेयर्स किस दिखता है। सब लेफ्ट साइड में यहाँ पे फोर्टिफिकेशन है और राइट में भी आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में से ये स्टेयर्स किस जा रहे हैं। स्टेयर्स चढ़ने के बाद ये हम यहाँ पे डोर पे आ गए हैं, जिससे आप फोर्ट पे जाएंगे। तो इसको डिंडी दरवाज़ा बोलते हैं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं।
इसमें इंटर होने के बाद हमको लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो गार्ड रहते थे उनके लिए यहाँ पे ये रूम दिखता है जिसपे कार्विंग की है। और ये अभी रिसेंटली नया डोर लगाया है यहाँ पे सह्याद्री प्रतिष्ठान की तरफ से। यहाँ पे ऊपर भी हमको जाना है, वो कैसे जाएंगे वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। गाइस यहाँ पे एक बड़ा वाटर टैंक है, फिलहाल ये ग्रीन ग्रीन जो कवर हुआ है उसके नीचे पानी है एक्चुअली। ये गुफा है ना, तो ये देखने के बाद हम अभी हैं मेन एंट्री दरवाज़ा के यहाँ पे। तो एक फोर्टिफिकेशन हमने देख लिया, उसके बाद वाटर टैंक देख लिया, अभी हम जाएंगे ऊपर। मतलब यहाँ से राइट से हम जिसको हम बाले किला बोलते हैं वो बाले किला पे हमको जाना है। वो मेन फोर्ट है जहाँ पे रहने की पूरी सुविधा होती थी। अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। इस किले की स्पेशलिटी अगर बोलूँ, अगर इसका फोर्टिफिकेशन मैं देख रहा था, क्योंकि जनरली हम देखेंगे तो जो किले पे मैं गया हूँ, जिन किलों की मैंने चढ़ाई की है, जहाँ पे मैंने फोर्टिफिकेशन देखा है, तो उनका जो फोर्टिफिकेशन का चौड़ाई होता था अराउंड 1.5 से 2 फीट होता था, लेकिन ये मुझे 6 फीट के आसपास लग रहा है। अगर मैं पूरा मेरा हाथ का स्पैन भी देखोगे तो ये कवर अप हो रहा है, तो इट इज़ अराउंड मेरे हिसाब से तो ट्रिपल लेयर फोर्टिफिकेशन है यहाँ पे। और काफ़ी मजबूत है आज भी ये फोर्टिफिकेशन, तो ये थोड़ा स्पेशलिटी लग रहा है इस किले का मुझे। इसके अलावा अभी हम आगे जाएंगे बाले किला जिसको बोलते हैं, जो मेन फोर्ट होता है, मतलब एकदम टॉप होगा फोर्ट का, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू हमको सराउंडिंग का मिलता है। तो आगे चलते हैं कुछ। किले का नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे पूरा कार्विंग किया गया है, तो यहाँ पे इसके पीछे जो पूरा कार्विंग करके यहाँ पे पीने के पानी के टैंक्स और रहने के और सोने के लिए जगह बनाई गई है। और इसमें से आपको याद आया होगा मेरा लास्ट वीडियो जो था करनाला का, करनाला के जो पिनाकल के नीचे है ऐसे ही कार्विंग की गई है और ऐसे ही वाटर टैंक्स बनाए गए हैं।
गाइज अभी मैं यहाँ पे एक वाटर टैंक है, अभी यहाँ पे पानी नहीं है, बट यार बहुत अच्छा किला है देखने के लिए। अगर आप इस रीजन में हो तो आप डेफिनेटली इसको मतलब एक बार विजिट करना चाहिए। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अभी भी है इस किले पे देखने लायक। तो एक वाटर टैंक होता था पुराना, जहाँ पे अभी पानी नहीं है, उसमें मैं अभी उतरा हूँ, इसके अंदर आ गया हूँ। और पूरा स्ट्रक्चर जो काव करके बनाया, बहुत मेहनत की है जिसने भी बनाया है यार। डेफिनेटली आप आओ यहाँ पे, आना तो बनता है, और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है देखने लायक, तो आप ज़रूर देखिए और कचरा मत करना आओगे तो। दोस्तों अभी हम हैं महाद्वार पे, जो किले का मेन एंट्री होता है वहाँ पे। तो बाली किला चढ़ने से पहले राइट साइड में हम नीचे उतरे, तो यहाँ पे हमको महादरवाज़ा दिखा, बट नीचे का स्ट्रक्चर इतना ख़ास नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है चढ़ने के लिए। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए हमने जो रूट चूज़ किया वो दिंडी दरवाज़ा वाला रूट था। जो दरवाज़ा काफ़ी अच्छा भी था स्ट्रक्चर वाइज देखने के लिए। और महादरवाज़ा की जो है अभी एंट्री में आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे क्या है कैसे है। दोस्तों अभी हमने महादरवाज़ा देख लिया है, धूप बढ़ने लगा है तो हमारा प्राइमरी टारगेट है बाली किला करना, तो चलते सीधा अभी बाली किले पे। पीक पे हूँ और बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। पीछे जो है पाली जो विलेज है, अंबा नदी का व्यू है। उसके अलावा थोड़ा सा आज स्मॉगी है तो इतना अच्छा खासा व्यू नहीं मिल रहा है, फिर भी जब यहाँ पे वेदर क्लियर होगा तो बहुत अच्छा व्यू मिलेगा हमको। इस ट्रैकिंग में हमारे और एक मित्र मिल गए, थाना से हैं वो, तो उनकी जानकारी दे रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसे है इस किले पे वो भी बताएंगे। नमस्कार, मी समीर गावडे, मी मराठीत बोलतो। आज मी पहिल्यांदाच या गाड्यावरती आलेलो आहे, माझा भाऊ आला आहे आणि मी आलेलो आहे, आम्ही दोघं जण आलेलो आहोत, ठाण्यावरून आलेलो आहे आम्ही। गड खूप छान बघण्यासारखं आहे, आवडला गड।
नहीं फ्रेंकली मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ इस फोर्ट पे, और रियली देखने लायक बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने लायक है। तो चलो आगे का फोर्ट देखते हैं, और थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद दादा। तुम बाली किला जो बोलते हैं उस पे आ गए एकदम टॉप पे। तो यहाँ पे हमने एंट्री में एक पीर बाबा जो है उनकी समाधि है, उसके बाद थोड़ा आगे आने पे हमको यहाँ पे ये केदारेश्वर का एक टेम्पल बनाया है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है अभी लेटेस्ट बट बनाया। यहाँ पे एक शिवलिंग है जो इसकी यहाँ पे टेम्पल बनाया गया है केदारेश्वर करके, और इस टेम्पल के पीछे पुराना जो है तालाब है। मैं अभी पीक पे हूँ और बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। पीछे जो है पाली जो विलेज है, सामने अंबा नदी का व्यू है, उसके अलावा थोड़ा सा आज स्मॉगी है तो इतना अच्छा खासा व्यू नहीं मिल रहा है, फिर भी जब यहाँ पे वेदर क्लियर होगा तो बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये फोर्ट एक्सप्लोर करने का चारों तरफ से, क्योंकि इसका फोर्टिफिकेशन जो है पाली किले का बहुत नीचे है, तो इतना नीचे मैं घास में नहीं उतरूंगा, थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर बाली किले के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो इरोड हो चुका है, मतलब स्ट्रक्चर है भी तो अभी घास के नीचे दबाव हुआ है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिखता है बट वो भी घास के नीचे दबाव हुआ है और कम्प्लीटली इरोड है। तो बचा हुआ ये पुराना तालाब है, गाइस फाइनली बाली किला देख के हो गया, देखने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। फाइनली हम अभी बाली किला उतर के बचा कुचा हुआ स्ट्रक्चर देखेंगे। दोस्तों हम अभी बाली किला उतर के फिर से महादरवाजा जो बोलते हैं महाद्वार है तो वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ से हम और एक फोर्टिफिकेशन है, एक छोटा बुरुज बोलते हैं मराठी में हम, तो वो देखने जा रहे हैं। तो वेस्ट साइड का जो फोर्टिफिकेशन है वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, तो लेट्स गो। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पहाड़ीकरी चौकी जो गार्ड्स बैठते थे वही पूरा स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है बट ऑलमोस्ट अभी तो ऑलमोस्ट अभी ये इरोड सिचुएशन कम्प्लीटली है क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सो काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पे नीचे आया हूँ, और यहाँ पे ये है तीसरा दरवाज़ा, दिंडी दरवाज़ा। फाइनली हमने पूरा जो फोर्ट है वो एक्सप्लोर कर लिया है, सरसगढ़ जो फोर्ट है, और नाम के जैसे ही सरस है, बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने लायक है। बाली किले पे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ बढ़ गई है, बट अगर मैं बेस में बोलूँ तो बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने लायक है। हमने हालांकि तीन जो दरवाजे हैं वो एक्सप्लोर कर लिए, उसके अलावा अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन है। मेरे साथ है अनिकेत और आदित्य, इन्होंने मुझे आज साथ दिया इसमें, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ दोनों का। और इसके बाद हम सीधे निकलेंगे घर के लिए, भूख भी लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो एक रोड आपको अगर बेस्ट वे चाहिए तो आप नागोटने आ सकते हो, गोवा रोड से मुंबई गोवा हाईवे पे नागोटने करके ऑप्शन है, और ऊपर आने के लिए कुछ चार्जेस वार्जेस है नहीं तो आप ऐसे आ सकते हो। सेकेंड ऑप्शन अगर पूना से आ रहे हो तो खोपोली से आप सीधा पाली आ सकते हो। हमें ऊपर आने के लिए अराउंड 2 घंटा लगा, उसके बाद
पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हमने बहुत टाइम लिया, क्योंकि आए हैं तो पूरा एक्सप्लोर करके ही जाएंगे, वो हिसाब से ही हम आए थे। तो अभी 1:30 बजा है, तो हम अभी यहाँ से निकल रहे 1:30 बजे। तो चलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और ज़रूर कमेंट करिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो चलते हैं अभी नीचे। तो फाइनली गाइज 2:15 बज गए और हमारा ट्रेक कंप्लीट हुआ, हम नीचे आ गए।